दोस्ती में कभी बंटवारा नहीं होता, मुसीबत आ जाए तो दूसरा सहारा नहीं होता। बचपन की दोस्ती थी कृष्ण सुदामा की, वरना सुदामा का घर कृष्ण बसाया नहीं होता। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बाकी सभी चैप्टर से थोड़ा अलग हटकर है। अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़े हैं उससे ये अलग है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, समझेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की दोस्ती की एक छोटी सी कहानी एक कविता के जरिए। ठीक, ये चैप्टर क्या है? कविता है। चैप्टर नंबर 22 है, नाम है सुदामा चरित। क्या नाम है? सुदामा चरित, जो कि एक कविता है। तो इस कविता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कहानी बताई गई है। तो उस कहानी को समझने के लिए आप लोगों को इस कविता की पंक्तियों को समझना होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर उसका अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक, तो देखिए, इस कविता यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है नरोत्तम दास। याद रखिएगा, नरोत्तम दास ही इस कविता को लिखे हैं। ठीक, तो अब चलिए मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, और आप लोग जानते भी होंगे, भगवान श्री कृष्ण जो है उनके बचपन के मित्र सुदामा, यानी कि सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे। ठीक है, तो कृष्ण जो है वो आगे चलकर तो भगवान बन गए, भगवान श्री कृष्ण। ठीक, लेकिन सुदामा बहुत ज़्यादा करीब थे, और कृष्ण को खबर भी नहीं थी कि उनके जो दोस्त है सुदामा वो कहाँ चले गए। कोई खबर नहीं थी भगवान कृष्ण को कि मतलब उनके दोस्त कहाँ हैं, सुदामा कहाँ हैं। ठीक, लेकिन सुदामा बहुत अति दीन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो भोजन भी किया करते थे ना, तो भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, भिक्षा मांगकर खाना खाते थे, और हमेशा भजन में लीन रहते थे। ठीक, तो मतलब सुदामा की दरिद्रता और उनकी गरीबी को देखकर जो है उनकी पत्नी भी उग गई थी। तो एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से बोली कि आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना अपने दोस्त कृष्ण की, कि मेरा दोस्त ऐसा है वैसा है, भगवान है। ठीक, तो क्यों नहीं जाते हैं अपने दोस्त कृष्ण के पास, अपनी मतलब दुख दुविधा जाकर सुनाइए, बताइए अपनी दरिद्रता के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में बताइए। ठीक, ताकि जो है ना वो मतलब हमारी मदद कर सके, कुछ धन संपत्ति दे जिसकी वजह से हमारी गरीबी दूर हो सके। आप जाइए अपने दोस्त कृष्ण के पास। ठीक, तो सुदामा जो है अपने मतलब अपनी पत्नी की बात मानते हुए अब वो जाने लगे भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर। ठीक है, यानी कि अपने दोस्त के यहाँ अब गए। तो अब उसके आगे क्या हुआ, अब आप लोगों को मैं कविता पढूंगी, तब आप लोगों को मालूम चलेगा उसके आगे की कहानी। अब यहाँ से आप लोगों को कविता में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, सीस पगा ना झगा तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकी सो वसुधा बिरामा, पूछत दीनदयाल को धामू, बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए, जब सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ गए तो जो द्वारपाल खड़ा रहता है द्वार के सामने, मतलब गेट के सामने द्वारपाल, वो जाकर कृष्ण से बोला कि बाहर कोई आया है, उसके सिर पर ना पगड़ी है ना तन में झगा है, यानी कि तन में जामा कपड़ा वगैरह नहीं है, और प्रभु जाने वो कहाँ से आया है, किस लिए आया है, किस गांव से आया है, धोती तो पहना है लेकिन धोती फटी फूटी है, दुपट्टी बन गई, यानी कि ऐसा लग रहा है दुपट्टा बन गया हो। ठीक है, और पतला दुबला है। ठीक है, और आपका नाम पूछ रहा है। ठीक, क्या मतलब श्री कृष्ण का नाम ले रहा है। ठीक है, और वो अपना नाम, जब मैं नाम पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम सुदामा बताया। ठीक, अब देखिए आगे, बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ही वो द्वारपाल बोला कि वो जो आदमी बाहर खड़ा है वो मतलब उसकी गरीबी हालत है, वो पतला दुबला है, सर पर ना पगड़ी है ना तन में जमा यान की कपड़ा पड़ा है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुदामा नाम सुने, मतलब तुरंत अपना सारा राजकाज छोड़कर, सारा काम छोड़कर, मतलब दौड़ने लगे और तेज़ गति से दौड़कर जाने लगे अपने दोस्त सुदामा के पास, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उनका दोस्त सुदामा का है, और अचानक सुदामा आया था। ठीक, तो सारा अपना राजकाज छोड़कर, सारा काम छोड़कर और दौड़कर जो है ना अपने दोस्त सुदामा के पास गए, और द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाए गए पाए, भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, और नैनो दोऊ जल भरी पूछत कुशल हरी, विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचानी को, पहचानने को, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दिन बंधु दिनन सोभानों को। देखिए बोल रहे हैं कि जब गए भगवान श्री कृष्ण दौड़े हुए
सुदामा के पास, तो जाकर सुदामा का चरण छुए। देखिए सुदामा जो है वो पंडित थे और पंडित का चरण छूना चाहिए ऐसा माना जाता है, पांव छूना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना भगवान होकर भी अपने दोस्त सुदामा के पैर छूकर और गले लगाए, ठीक है, मतलब भेंटे भरी अंक लपटे। ये सुदामा जो थे वो कपड़े तो पहने नहीं थे, फटा फुटा पहने थे और उनका शरीर गंदा था, लेकिन उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है अपने दोस्त सुदामा को गले लगा लिए और बोले, पूछे कि कुशल हरि, यानी कि तुम कुशल तो हो, ठीक ठाक तो, इतने दिन से तुम कहाँ थे? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई विपदा थी यानी कि कोई परेशानी थी तो मुझे आकर क्यों नहीं बताए? ठीक, तुम इतने दिन कहाँ थे? कोई परेशानी कोई दुख था तो मुझे क्यों नहीं आकर बताए? तुम जानते हो ना दिन बंधु, यानी कि दिन बंधु जो होता है, मैं आप लोग को बताई हूँ, दिन बंधु उसे कहते हैं जो दिन भर लोगों की मदद करे। तो तुम जानते थे कि मैं दिन बंधु हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? दिन बंधु तो सभी लोगों की मदद करता है, ठीक है। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो सुदामा थे उनका पैर पूरी तरीके से फट चुका था, और उनके मतलब पैर में चप्पल तो था नहीं, ठीक है, तो उनका पैर का जो एड़ी था वो पूरी तरीके से फट चुका था, कंटक जाल की तरह, ऐसा लग रहा जाल हो, ठीक है, उस तरह फट चुका था। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए। यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्ण कि हाय मेरे सखा, तुम इतने दिन कहाँ थे, कहाँ खो गए थे, तुम आए क्यों नहीं? ठीक, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननन के जल सो पग धोए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आँख में आंसू आ गया और वो रोने लगे, ठीक, और जो परात में पानी लाकर चरण धोया जाता है, पैर धोया जाता है, तो इतना रो दिए थे भगवान श्री कृष्ण कि उनकी आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए थे, मतलब पानी से धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोचिए भगवान श्री कृष्ण होकर भी मतलब उनको कितना अपने दोस्त सुदामा पर दया आई, ठीक है, और बहुत दिनों के बाद भी तो मिले थे दोनों दोस्त। आगे चना गुरु मात दिए, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हौजू प्रवीने। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सुदामा से, मतलब बचपन की बात बता रहे हैं, बाल सखा थे, बहुत दिनों के बाद मिले थे, ठीक, तो बचपन की बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि बचपन में जब गुरु माता तुमको, सुदामा को बोल रहे हैं कि बचपन में गुरु माता तुमको चना दिया करती थी कि ये लो चना तुम कृष्ण को भी दे देना, तो तुम अकेले ही चना खा जाते थे, ठीक है, तो अभी भी तुम वही कर रहे हो, अभी तुम्हारी मतलब वो बचपन की आदत गई नहीं। गाठरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई तैसई भाभी के तंदुल कीने। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारी आदत, बचपन की जो आदत है वो गई नहीं, अभी भी तुम्हारी उसी तरह आदत है, भाभी जो है मेरे लिए कुछ भेजी है। भगवान श्री कृष्ण भाभी किसको बोल रहे हैं? सुदामा की पत्नी को भाभी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाभी मेरे लिए कुछ भेजी हैं और तुम मतलब नहीं दे रहे हो, बचपन की तुम्हारी आदत गई नहीं, जिस तरह बचपन में चने मेरा खा जाया करते थे उसी तरह भाभी मेरे लिए कुछ भेजी हैं और तुम उसको भी चाहते हो कि ले लूँ, ठीक, मतलब उस गठरी को तुम काख में मतलब दाबे हुए हो और छुपा रहे हो, चलो दो दिखाओ हमको भाभी क्या भेजी है, ठीक। तो देखिए सुदामा की पत्नी जो है ना वो कृष्ण के लिए चावल गठरी में बांध कर भेजी रहती है, तो मतलब सुदामा इसलिए कृष्ण को वो चावल की गठरी नहीं देते हैं क्योंकि मतलब कृष्ण तो भगवान रहते हैं और सुदामा को लगता है कि इतने बड़े भगवान को चावल की गठरी देना उनको अच्छा नहीं लग रहा था सुदामा को, ठीक, इतने बड़े भगवान है और चावल की गठरी भेंट में देना मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक, इसीलिए जो है ना सुदामा अपनी मतलब उस गठरी को कांख में दबा कर छुपा रहे थे, ठीक। तो कृष्ण जो है वो मांगे, उसके बाद से उन दोनों के बीच बात हुई, दोनों मतलब मित्र बहुत दिनों के बाद मिले थे तो बात हुई, सारा मतलब दुख दर्द सुनाए सुदामा अपने मित्र कृष्ण को, ठीक, और कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा को क्या कर दिए, सारा बात सुनकर दुख दुविधा सुनकर उसके बाद से विदा कर दिए, ठीक। जब विदा कर दिए बिना कुछ दिए तो सुदामा रास्ते में अब जा रहे थे, वापस अपने घर लौट रहे थे, तो रास्ते में सोच रहे थे कि भाई मैं पूरी दुख दुविधा अपने दोस्त कृष्ण को सुनाया लेकिन फिर भी मतलब कृष्ण मुझको भेंट में कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ धन संपत्ति देना चाहिए ना ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके, मैं इसलिए ना आया था ताकि मेरा जो दोस्त है कृष्ण वो मेरी मदद करे, लेकिन मुझको बिना कुछ दिए वापस भेज दिया, विदा कर दिया, ठीक। अब यही सोचते हुए ये जा रहे थे, रास्ते में वापस अपने घर जा रहे थे, अब देखिए आगे क्या हुआ। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मारक भूली के, कै अब फेरी में द्वारिका आयो। देखिए जब सुदामा अपने गांव अपने घर वापस गए, ठीक, तो जब अपने गांव में गए ना तो उनकी झोपड़ी की जगह एक महल बन गया था, ठीक, और मतलब ढेर सारे घोड़े हाथी थे, ठीक, तो उनका मन जो है संभ्रम हो गया, इनकी भ्रमित हो गया, वो सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अपने गाँव नहीं आया हूँ क्या,
ये मेरा मतलब मेरा घर कहाँ गया, ठीक है, मतलब उनको लग रहा था कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, यानी कि रास्ता भूल गया हूँ, ठीक है, रास्ता भटक के कहीं दूसरा जगह दोबारा मतलब कृष्ण के द्वार पर चला आया हूँ क्या, मतलब रास्ता भूल कर, ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं था, वो सही जगह आए थे। भवन बिलोक किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझैयो, पूछत पाड़े फिरे सब सबसों पर, झोपड़ी को कहूँ खोजी न पायो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनका जो है मन लोचन में था, वो सोच रहे थे कि आखिर मतलब मुझे क्या हो गया, मतलब ये कहीं दूसरे जगह तो नहीं आया हूँ, ठीक है, मेरा झोपड़ी कहाँ गया, ठीक है, और मतलब देखें जरा गाँव को ध्यान से देखें तो सभी लोगों का तो घर दिखाई दे दिया, उन्हीं का घर नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, मतलब अब सभी लोगों से पूछ रहे थे कि मेरा झोपड़ी आप देखे, मेरा घर कहाँ है, ठीक है, और उसके बाद से चारों तरफ ढूंढ लिए लेकिन उनका झोपड़ी कहीं नहीं मिला। भाई झोपड़ी की जगह महल बन गया था तो मतलब कैसे मिलता। तब उनको समझ में आया कि मैं सोच रहा था कि कृष्ण मुझको भेंट में मतलब आते वक्त मुझको ऐसे ही क्यों विदा कर दिया, अब मुझे कृष्ण की लीला मालूम चली, झोपड़ी की जगह वो महल बन गया था, वहाँ पर ढेर सारे घोड़े हाथी थे, ठीक, तो ये थी कृष्ण की लीला, ठीक है, भले ही मतलब बिना कुछ दिए जो है ना कृष्ण जो है सुदाम अपने दोस्त सुदामा को विदा कर दिए, लेकिन बाद में गाँव जाने के बाद मालूम चला कि बहुत कुछ दिए हैं, ठीक, तब जो है सुदामा को समझ में आया, अच्छा ये बात है, ये थी कृष्ण की लीला, ठीक है। कह वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कह पग में पनही न होती, कहले गजराज हु ठाढ़े महावत। बोल रहे हैं कि पहले जो है वो टूटी सी छावनी होती थी, मतलब वो झोपड़ी जिस पर मतलब छत जो है टूटा हुआ रहता था, मतलब झोपड़ी जो है वो छावनी टूटी हुई रहती थी, लेकिन अब जो है भगवान श्री कृष्ण के मतलब वजह से मेरा जो है ना घर बड़ा मतलब एक महल में तब्दील हो चुका है, और उसके बाद से अब मेरा जो ज़िंदगी है वो सुहावना बन चुका है, ये जो मेरा घर है वो सुहावना हो चुका है, और पहले पग में यानी कि मेरे पैर में चप्पल भी नहीं हुआ करता था, अब जो है मैं मतलब ज़मीन पर तो पैर ही नहीं उतारता हूँ, मैं हमेशा घोड़े हाथी पर ही चलता रहता हूँ हमेशा, ये सुदामा बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले पग में उनके पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था, अब वो ज़मीन पर पैर ही नहीं रखते हैं, अब हमेशा घोड़े हाथी पर ही आते जाते रहते हैं, ठीक, सोचिए ये सब भगवान श्री कृष्ण के वजह से हुआ था, ठीक। भूमि कठोर पैरात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, कह जुड़तो ना ही कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। देखिए बोला जाता है कि जब ज़्यादा सुख किसी को मिल जाता है ना, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा दुख झेला है, ठीक, दुख झेलते झेलते परेशानियों से लड़ते लड़ते अगर उसको सुख मिल गई और मतलब ज़िंदगी भर अब उसको सुख ही मिलता रहा, तो वो सुख से भी मतलब क्या हो जाता है, मतलब वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में अब दुख क्यों नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि पहले मुझे कठोर भूमि पर सोने की आदत थी, पहले मतलब कठोर भूमि पर मेरा रात नहीं कटता था, अब जो है ये कोमल सेज पर मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है, और मतलब पहले पैर में जूतों नहीं जुड़ता था, यानी कि पहले पैर में जूता नहीं था, ठीक है, अब जो है देखो मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रखता हूँ, ठीक, और धन्य धन्य जदुवंश मणि, दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिया, कही बरसही सुरफूल। यहाँ पर बोल रहे हैं धन्य धन्य जदुवंश मणि, भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि धन्य हो भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है, और उसके बाद से जदुवंश मणि इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यादव वंश के थे, तो उन्हीं को बोला जा रहा है कि धन्य धन्य यदुवंश मणि, मतलब उनके वंश को भी धन्यवाद बोल रहे थे, और धन्य हो भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण को भी सुदामा जो है वो धन्यवाद दे रहे थे कि उनका जो दिन है वो अनुकूल हो गया, मतलब एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ही जो है ना सुदामा के घर को बसा दिया, ठीक, और उनका जो दिन है वो सुनहरा आप बोल सकते हैं सुख सुविधा में जो है ना तब्दील हो गया, ठीक, उनका दिन अनुकूल हो गया सुदामा की सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की वजह से, तो वही बोल रहे हैं धन्य हो भगवान श्री कृष्ण की कि उनके वजह से आज मेरा दिनन जो है मेरा दिन वो अनुकूल है, मेरा दिन हरा भरा है, सुख से भरा है, सुख से भरपूर्ण है, धन्य हो जदुवंश मणि, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा कविता कंप्लीट, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी कहानी इस कविता के माध्यम से, ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद से आप लोग को सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।